गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। आज हमारा लास्ट डे है होटल में, तो अभी काफी ज्यादा हम एक्साइटेड भी हैं। रात इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए हम, मतलब कि नींद ही नहीं आई। मतलब ये लगा लो 4-4.5 बजे के आसपास में सोए थे। मैं और आनंद दोनों बात करते करते कि भाई यार 6 महीने की ट्रेनिंग हमने बड़ी मुश्किलों से, बड़े हंसते हुए रोते हुए निकाल ही ली कि आईटी ट्रेनिंग काफी ज्यादा टफ हो जाती है होटल ईयर के लिए। बट फाइनली आज हमने वो पड़ाव पार कर दिया है और आज हमारा है लास्ट डे, क्योंकि आज है 27 दिसंबर। अभी दो मेरे मंथ के 3 ऑफ बाकी थे, तो कल एक मैंने ले लिया, अभी 2 और ऑफ मेरे बाकी हैं, तो मैं कल और परसों का ऑफ ले लूंगा। देन 31 को अपना सर्टिफिकेट ले लेंगे यहाँ से, तो उसके बाद में अपना निकल जाएंगे यहाँ से। तो फाइनली आज अपना लास्ट है होटल में और आज देखते हैं सबके साथ में व्लॉग वगैरह बनाते हैं, सबके साथ में कुछ मेमोरीज अपना साथ लेके जाऊंगा यहाँ से। कुछ अच्छी मेमोरीज भी हैं तो कुछ थोड़ी है, थोड़ी हो जाती है खटपट भी, बट खैर कोई नहीं। अभी फिलहाल आनंद तो नीचे चला गया है और आज अपनी 11 बजे की शिफ्ट है और ये अपनी आज लास्ट शिफ्ट होगी अपना होटल में। और फिलहाल अभी निकलते हैं थोड़ा रेडी वगैरह होके। फिलहाल अभी देखो बाहर का कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। रात तो इतनी धुंध हो गई थी, मतलब कि बाहर निकलना ही दुश्वार हो रहा था, थोड़ा ज्यादा ही अभी ठंड होने लगी है। रेकेंट वैक्सीडेंट भी काफी ज्यादा हो रहे हैं इस टाइम पे, अभी तो काफी ज्यादा केयरफुल भी रहना पड़ता है। रात की शिफ्ट में जब आते थे तो कुछ भी नहीं दिखता था, इतना ज्यादा वो हो जाता है फॉग 12-12.5 बजे रात को। तो खैर कोई नहीं, फिलहाल अभी सब कुछ अपना हो गया है, आराम से अपना टाइम निकल गया और चलते हैं बस आज होटल में। ना लास्ट का जो दिन है वो बड़े अच्छे से निकालते हैं होटल में। और आज सबसे आपको मिलाता हूँ, मैंने किस किस के साथ में वर्क किया, कौन से शेफ है, और बस ये सारी चीज आज आपके साथ शेयर करता हूँ। सो फाइनली अभी अपना निकल रहे हैं होटल के लिए। लास्ट डे है आज हमारा, सेफ कोड दे हमें भाई। कटिंग करते हो विराट सिंह पर, तू ऐसे ही मजे लेता रहे। हाँ भाई, हाँ थैंक यू भाई। मैं हूँ होटल के सबसे टॉप फ्लोर 11 फ्लोर पे, तो ये है क्रेस्ट किचन। तो अभी यहाँ पे देखो कुछ इस तरह की किचन है, ये देखो ये अपना यहाँ पे पिज्जा वगैरह बनते हैं सब, उसकी यहाँ पे रखा हुआ है पिज्जा वगैरह। तो फिलहाल अभी यहाँ पे ये 2 बजे स्टार्ट होता है, 2 बजे से पहले स्टार्ट नहीं होता क्योंकि ये एज अ रेस्टोरेंट है यहाँ पे, और जो नीचे वाला है वो मेन किचन है वहाँ पे। और ये देखो इस तरह से कुछ वर्क होता है यहाँ, कॉन्टी सेक्शन वगैरह है। और अभी फिलहाल मैं आया हूँ अपना बर्फ बर्फ लेने के लिए, ये वॉशिंग एरिया है डिश वॉश, और यहाँ से भी फिलहाल अपने बर्फ बर्फ ले लेते हैं। ये है सामने यहाँ पे रेस्टोरेंट इसका, ये है होटल का मेन डाइनिंग रेस्टोरेंट जो है यहाँ के टॉप फ्लोर पे। और फिलहाल ये कुछ क्रिसमस के रखे हुए हैं यहाँ पे, ये डेकोरेशन वगैरह के लिए यूज किए गए थे। ये देखो यहाँ से पूरा बाहर का व्यू दिखता है क्योंकि ये टॉप फ्लोर है यहाँ का होटल का 11th, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट है, यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा बाहर। और मैं आपको दिखाता हूँ कि होटल में सेक्शन किस तरह से होते हैं। जैसे ये अपना है यहाँ पे कॉन्टी सेक्शन हो गया, ये यहाँ पे पास्ता वगैरह बनते हैं, ये सब कॉन्टी में आता है, ये बेसिकली पूरा कॉन्टी सेक्शन है यहाँ पे। और यहाँ पे अपना आ गया तंदूर सेक्शन, यहाँ पे तंदूर शेफ वर्क करते हैं। और ये अपना चाइनीज सेक्शन हो गया, यहाँ पे ग्रिलर वगैरह ये सब कुछ रखे हुए हैं। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं, हर किसी शेफ का अपना अपना सेक्शन होता है जहाँ पे सब वर्क करते हैं, जैसे इंडियन हो गया, चाइनीज हो गया, तंदूर है। तो इस तरह से देख सकते हो आप, ये पूरी किचन है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है तो ये रेस्टोरेंट की किचन है पूरी की पूरी, ये देखो। और जो मेन किचन है होटल की वो नीचे है जहाँ पे अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है, और वहाँ पे जैसे बुफे वगैरह सब कुछ लगता है, बट यहाँ पे बुफे नहीं लगता, ये 2 बजे स्टार्ट होता है। यहाँ से अपना रेस्टोरेंट में जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं उनको सर्व करते हैं हम यहाँ से। तो देख सकते हो आप, इस तरह की कुछ किचन होती है। मेरा भाई बड़ा उदास है आज, इसका जाने का दिल नहीं है यहाँ से। जॉब दिलवाएंगे थे हम यहाँ पे। हमारे शेफ कदलू है, ये शेफ महेंद्र। तो फाइनली भाई अपना एंड हो गया आज होटल से, लास्ट था अपना। और फिलहाल अभी निकल लिए अपने घर के लिए और सतेंद्र से हम साथ चलेंगे। ये देखो भाई लास्ट टाइम व्यू देख लो होटल का, इसके बाद में शायद नसीब नहीं होगा होटल का व्यू देखना क्योंकि आज लास्ट है अपना, बड़े दुख के साथ में जाना पड़ रहा है।
और ये भाई रिसीविंग एरिया है अपने होटल का, ये भी लास्ट टाइम देख लो भाई। ओ भाई जा रहे हैं बस सब होटल से भाई, क्या करें। ये है अपने शेफ भूपिंदर, शेफ भूपिंदर कॉन्टी शेफ। तो भाई चलते हैं अपना, निकलते हैं अब, और क्या करें। ये देखो चाइनीज शेफ, चाइनीज ओरिएंटल, सब शर्माते हैं, बस मैं ही बोल पाता हूँ कैमरे के आगे, बाकी सबकी आवाज निकलती है। हैं हम भी बोल लेते, बोलो आप भी बोलो, बच्चों को बताओ होटल मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, कौन सी सेक्शन बेस्ट है या क्या, कौन सा सेक्शन बेस्ट है बताओ। कौन सी सेक्शन इंडिया के लिए बेस्ट है बट बाहर के लिए टफ है भाई। कौन से सेक्शन में जाना चाहिए, सारे बढ़िया है, सारे बढ़िया है, सारे बढ़िया है, जहाँ तुम्हारा दिल करता है वहाँ जाओ। या चाइनीज बढ़िया है, चाइनीज बढ़िया क्या है, सब बढ़िया है, जिसको तुम एंजॉय करते हो उसको आप बताओ। मैं तो कहता हूँ स्वीट सेक्शन बढ़िया है, हलवाई सेक्शन। हर किसी को अपना अपना डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा लगता है, जब काम होता है तो सब लगता है। फाइनली आज अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, काफी दिन से वेट था इस दिन का कि भाई ट्रेनिंग कब कंप्लीट होगी। फिलहाल अभी अपना आ गए घर पे, और थोड़ा भी कल जाना भी अपने को दिल्ली एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ जगह सोची है जाने के लिए, क्योंकि दिल्ली के इतने पास रहने के बाद में अगर दिल्ली नहीं अच्छे से घूमे तो खैर क्या घूमे। और होटल में जब से जॉब कर रहे थे यहाँ पे, जब से ट्रेनिंग चल रही थी हमारी, तो टाइम भी नहीं था, ऑफ भी इतने नहीं मिलते थे, और अगर मिलते थे तो उसमें अपना सोने में ज्यादा टाइम निकल जाता था अपना। और फिलहाल अभी मैं सत्येंद्र सैफ को अपने साथ ले आया हूँ, और कल अपना लेके जाना है सैफ को भी, क्योंकि सैफ का भी कल ऑफ है। और फिलहाल अपना देखते हैं, अब इसके बाद में अपना इंटरव्यू वगैरह की तैयारी करनी है, कहीं अदर होटल में अपना अप्लाई करेंगे, बिकॉज इस साल तो यहाँ पे वैकेंसी नहीं थी, तो अभी अपना नहीं हो पाया यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली। बट खैर कोई नहीं, अगर इन फ्यूचर मौका मिलेगा अपने को यहाँ पे जॉब करने का तो वो भी करेंगे, बट अभी फिलहाल कहीं और देखते हैं अपना, क्योंकि ट्राई तो अपने को करनी है, घर तो बैठ नहीं सकते इस तरह से। खैर फिलहाल कोई नहीं, अभी ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा रहा होटल के अंदर, और फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। I can feel the sweat inside my palms.